हेलो जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और बढ़िया से होंगे। तो गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात आप सभी को। तो आज चलते हैं हम पटना श्री कृष्णा साइंस सेंटर, वहाँ पे घूमने। और उससे पहले ये इस्कॉन टेंपल है, यहाँ भी अगली बार जाएंगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं ये श्री कृष्णा साइंस सेंटर। तो हम लोग अंदर में आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में ऊपर में लिखा हुआ है। तो ये सब जैसे देखने में लगता है चिकन है, वैसे ही है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से लगाया गया है सब कुछ। यहाँ पे स्विच दबाने से काम करता है सब। और ये ताली पेड़ है, यहाँ पे जितना ज़ोर से ताली बजाइएगा वो लाइट बढ़ता जाएगा ऊपर में। जैसे कि देखिए अब ये ताली बजा रहे हैं सब लोग। जब पूरा बल्ब बढ़ जाता है तो वह भुकवा करता है। और उसके बाद यहाँ पे डंटा से बॉल को इधर से इधर मारने वाला है। और ये बॉल को ऊपर लाके नीचे छोड़िए, घूम के आएगा नीचे। वो है, ये लोग पंजाब से आए हैं घूमने के लिए यहाँ पे। जो नीचे आया, अब यहाँ पे देखिए बिना टूटी का नल है जो कि पानी दे रहा है। वैसे उसमें कुछ नया नहीं है, उसमें पाइप रहता है, उसके कारण पानी ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है। ये पेडलिंग प्रेशर है। यहाँ पे जितना ज़ोर से चलाइएगा उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा और बॉल ऊपर की तरफ जाएगा। ये एक संतुलित चक्र है जो कि देख सकते हैं कैसे निकल रहा है। काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया गया है इसको, जो कि बारीकी से हल्का भी बिना टच किए निकल जा रहा है आसपास। उसके बाद यहाँ पे पेंडुलम है जो कि देखिए हाथ से दबाने पे उसके नीचे में वजन है, उसके कारण स्प्रिंग के कारण अपर डाउन हो रहा है। यहाँ पे स्विच से दबाने से यहाँ पे घूम रहा है पंखी की तरह। काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने से वैसे। और यहाँ भी है जो कि स्विच दबाने से बवंडर बन रहा है पानी में। जितना ज़ोर से प्रेस कीजिएगा उतना ज़्यादा बवंडर बनेगा पानी के अंदर। यहाँ पे सर्किल की तरह खींचा हुआ था ये सब। ये देखिए चुंबक की तरह ये घूमता हुआ रहता है हमेशा, धीमे धीमे घूम रहा है पर। और उसके आगे यहाँ पे भी वैसा ही है पर यहाँ पे थोड़ा तेज से घूम रहा है। देख सकते हैं कैसे घूम रहा है। जो यहाँ भी वही है, जैसे कि अंदर में चुंबक है और उसी पे वही केंद्र पे घूम रहा है। ये रोशनी वाला पंखा है, स्विच से दबाने पे रोशनी बढ़ता है और हवा भी लगता है उसको दबाने से। यहाँ पे बास्केटबॉल है जो कि यहाँ से नेट में सब डाल के देख रहा है। ये गया नेट में और ये नीचे से बाहर की ओर आएगा। यहाँ पे टॉम से बात कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ है।
वैसे अभी दुर्गा पूजा का समय है तो काफ़ी अच्छा बनाया गया है इधर पंडाल भी। ये देखिए पानी ऊपर नीचे रंग का है और बीच में हल्का सा होल है जिसके कारण पानी धीमे धीमे नीचे की ओर आ रहा है। ये आईना है सामने में, कितना अच्छा लग रहा है देखने से, जो शीशा के अंदर में रंग डाला हुआ है और ऊपर में आईना है उसके कारण काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने से। ये लाइटिंग है जो कि जितना जल्दी इस पर प्रेस कीजिए लाइट बढ़ने के बाद, और यहाँ पे एयर से हवा बैलून है, हवा दे के बैलून को एक जगह पे स्थिर करने का। और ये यहाँ पे कुछ आकार दिया हुआ है और वहाँ पे जगह पे दिया हुआ रहता है जो कि सामान लगा के उसको भरना रहता है। ये पावर हाउस है, मिनी पावर हाउस। ये घूमता रहता है और स्विच दबाने से जितना ज़ोर से स्विच दबेगा उतना ज़्यादा प्रेशर से नचेगा ये। दिया हुआ था पर टच करने से कुछ दिखा नहीं, तो अब हम चलते हैं दूसरे फ्लोर पे। ऊपर में यहाँ पे बोर्ड पे दिया हुआ है इन्वेंशन हब, तो ये है इन्वेंशन हब है और इसमें जाना अलाउ नहीं है, जिसके पास पास है वही जा सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं गैलरी में। ये काफ़ी अच्छा बनाया गया है चिल्ड्रन गैलरी, क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर है। इसमें छोटा छोटा घर भी बनाया गया है और देखिए झूला है सब कुछ है। यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर बनाया गया है और ये खेलने का एरिया है जो कि छोटा बच्चा इसमें जाकर खेल सकता है। वहाँ पे एक बच्ची झूला झूल रही है। बढ़िया है देखने से। और यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं और होता है पजल टाइप का है यहाँ पे बनाया गया जो कि जोड़ के यहाँ पे खेल सकता है। और यहाँ पे स्टैचू है और देखिए कैसे बच्चा लोग इसमें फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। चेहरा नहीं है उसमें, अपना लगा के चेहरा फ़ोटो ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने से। और ये देखिए सबसे छोटा बच्चा इसमें है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने से यहाँ पे। उसके आगे यहाँ पे गेम का भी बनाया गया है, मोटरसाइकिल का है और इसमें आप खेल भी सकते हैं। और इधर जो कि तो देख ही सकते हैं यहाँ पे नो सिग्नल है उसके कारण चल नहीं रहा है। यहाँ पे टूरिस्ट लोग भी आए हुए हैं अभी, वो लोग भी घूम रहे हैं इसके अंदर में। और ये स्केटिंग है जो कि इस बच्ची से तो नहीं चला, देखिए कोई और आके चलाएगा, जो कि पैर आगे पीछे करने से आगे बढ़ेगा। जैसे कि ये देख सकते हैं अब ये दोनों चला पा रहा है इसको। एक तरह से साइकिल है, बस बैलेंस बना के रखना है, इसमें गिरना नहीं है। यहाँ पे आप कितना संतुलित है वो दिखा सकता है, बस करंट नहीं लगेगा लेकिन टच करने से बीप का आवाज़ आता है इससे। और ये देखिए कोशिश तो कर रहे हैं। इनसे भी टच हो ही जा रहा है।
अंत में गुस्सा होकर छोड़ दिए। तो अब हम लोग चलते हैं बाहर आगे की ओर, आगे में क्या है सो देखते हैं। दीवार राइट साइड में यहाँ पे इसके अंदर में जाते हैं, ओशन एरिया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने से। काफ़ी यहाँ पे प्लास्टिक से रखा हुआ, उसके सामने स्कैनर ले जाके देख सकते हैं कि कितने सालों तक के बाद वो ये पानी है जिसके अंदर में एक कॉइन डाला हुआ है, पर दोनों हाथ से उसको घुमाना रहता है। इसके पास पृथ्वी का गोला है, नीचे में घुमाने वाला है, उसे घुमा के देख सकते हैं कौन कहाँ का है। यहाँ पे रंग है जो कि बलून बनता है। यहाँ पे स्विच से दबा के वहाँ पे देखिए रंग का कितना बेहतर बना, रंगों का समूह है वो। यहाँ पे समुद्र का नाप दिया हुआ है अपर डाउन। उसके बाद यहाँ भी स्विच से इसके अंदर से बुलबुला निकलते हैं। ये सब समुद्र का बनाया हुआ है। लाइटिंग कितना गहराई है, कितना ऊंचा है वो। और यहाँ होलोग्राम के जरिए यहाँ पे वीडियो चलता है, जो कि बच्चा लोग इधर घूम रहे हैं और उधर देखिए जैसे कैसे डॉल्फिन निकल रहा है। और एक और छोटी बच्ची आई है जो कि खेलने के मूड से आई है, पर इसको देख के लगता नहीं है कि डॉल्फिन इसके साथ खेलना पसंद कर रहा है, लेकिन बच्चा के साथ में खेलना पसंद कर रहा है। जैसे ये बड़ी छोटी बच्ची आ रही है, डॉल्फिन पानी के अंदर जा रहा है। इससे नहीं हुआ तो बेचारी नाराज होकर निकल गई है। उसके आगे यहाँ पे देखिए समुद्री जीव का ही बनाया हुआ है, और यहाँ पे मछलियाँ सब हैं। यहाँ पे स्विच के अनुसार आप देख सकते हैं कितने गहराई में कौन सा जीव रहता है, वो सब इसके इस डिस्प्ले पे दिखा रहे हैं। और आप वहाँ से राइट की ओर कीजिएगा तो ऊपर की ओर जाएगा, और लेफ्ट की ओर कीजिएगा तो वो नीचे की ओर बताएगा कि कितने गहराई में कौन सा जीव रहता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने से। यहाँ पे मौका मिले तो ज़रूर एक बार आके घूमें इसमें, और अपने साथ बच्चों को भी लेके आए। ये देखिए जो कि दोनों हाथ से घुमाने वाला है, तो ये बच्ची घुमा दी। हो गया। तो ये रहा प्लास्टिक सब, और ये आके जोर से घुमा दिया जिसके कारण यहाँ का सिक्योरिटी है वही इनको डांट दिए। ये स्कैनर से पता चल रहा है कौन सा कितना साल के बाद नष्ट होगा। तो जैसे कि ये ग्लास है ये 500 साल, ये लगभग सब 229-20 ऐसे करके हैं। इधर सिगरेट का है, ये सिगरेट का है जो कि 10 साल तक टिकेगा। और ये पानी का गिलास है जो कि 400 साल तक टिकेगा, उसके बाद वो नष्ट होगा। ये ब्रश है जो कि 500 साल चलेगा। स्कैनर है, इसके जरिए पता चल जाता है। और अब हम लोग 3D की ओर आए हैं, 3D शो जिधर चलता है उधर की ओर आए हैं। तो यहाँ भी डिस्प्ले लगाया हुआ है, इस पर टच करके देख सकते हैं कौन सा कहाँ का है। जैसे ऊपर में डिस्प्ले है और इसका जो कर्सर है वो नीचे की ओर दिया हुआ है। और ये पृथ्वी का आकार है जो कि आकाश से कैसा दिखता है वो दिखा रहा है इसमें लाइटिंग के जरिए। ये देखिए पार्लियामेंट है,
स्क्रीन पे काफ़ी अच्छे से दिखा रहा है, जो कि टच करने से उसके बारे में बता भी रहा है। टच करके देख सकते हैं कौन क्या कहाँ है। ये सब 3D है, जो कि बाहर से छोटा लग रहा है लेकिन अंदर से देखने से पता चल रहा है कि अंदर में क्या है। ये मज़ेदार चित्र है, जो कि इस पर काफ़ी पुराना चित्र सब दिखता है इस पर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3D की तरह है यहाँ पे। उसके बाद इधर आईना, यहाँ पे एक तरह से माइक्रोस्कोप है, जो कि नीचे में घुमा के देख सकते हैं और डिस्प्ले पे उसके बारे में बताएगा काफ़ी जूम करके। तो माइक्रोस्कोप है ये। उसके आगे यहाँ पे आप घुमा के देख सकते हैं, जो टच करने से अप डाउन होता है। इसके ज़रिए ऊपर में दिखता है जो क्या है उसके बारे में बताएगा ऊपर में। देख सकते हैं क्या है, स्विच के जरिए लाइटिंग निकल रहा है उसके कारण, जो आगे का है काफ़ी बढ़िया लग रहा है उसके अंदर में देखने से। और यहाँ देखिए स्विच जो प्रेस करने से यहाँ पे दिख रहा है कौन सा प्राणी है, कैसे चलता है और दौड़ने का तरीका दिख रहा है। ये पक्षी उड़ रहा है, आदि मानव का चलने का, डायनासोर का, सबका दिखाता है वहाँ पे। और यहाँ पे घुमाने से यहाँ पे चीता और हिरण का शिकार कैसे कर रहा है वो दिखा रहा है। जितना स्पीड से घुमाइएगा उतना जोर से स्पीड से ऊपर में चीता भी दौड़ेगा और हिरण दौड़ेगा। उसके आगे ये देखिए इंसान का आकार है। ये सब 3D है, उसमें नीचे में टच करके उसका बनाना है उसका आकार। काफी बढ़िया लग रहा है इसके अंदर में घूमने से। यहाँ पे सैंड ड्राइंग है, जो कि आप भी आके बालू से बना सकते हैं, जो कि टीवी शो पे भी आता है ये। इसके बारे में वो जो अभी ये देखिए इसके अंदर में कोई इसका पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पे स्विच दबाने से अंदर में घूमता है 3D के तरह है कि ये सब यहाँ पे 3D के तरह है, जो कि अंदर स्विच प्रेस करने से अंदर में दिखता है। ये देखिए स्विच प्रेस करने से अप डाउन हो रहा है। यहाँ पे पिंजरा है और स्विच प्रेस करने से इसके अंदर लाइट जलेगा और घूमता है। यहाँ पे चेयर पे बैठने के बाद लगभग उसी के अनुसार से बनाया गया है ताकि बैठने पर चेहरा दिखेगा, जैसे कि देख सकते हैं। यहाँ भी आईना ही है इसके अंदर में। यहाँ पे स्विच घुमाने प्रेस करने से ये घूम रहा है, जो कि मज़ेदार है देखने का है और साइंस सेंटर है तो आके ज़रूर देखना चाहिए और पता लगेगा इसके बारे में। घुमाने से जो कि देख सकते हैं अंतरिक्ष का पता
अंतरिक्ष का है, जो कि आगे पीछे होते हुए दिखाएगा अंतरिक्ष का। यहाँ पे 3D है, जो कि टच करने से, वैसे ऊपर से दिख रहा है कि हाँ चित्र ऊपर है, लेकिन टच करने से पता नहीं चल रहा है, टेक्स्ट देख ही सकते हैं। इसके सामने में खड़ा होने से वहाँ पे लाइट जलेगा। ये सब आईना है, इसके अंदर में देख सकते हैं, जो कि साइज का दिखाएगा, अलग अलग तरीके से आपका चित्र दिखाएगा, इसमें बिंब दिखाएगा, मनोरंजन दर्पण जिसको कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे जिसके सामने में खड़ा होइएगा तो वो लाइट जलेगा। ये एक छोटा सा छिद्र है, जिसके अंदर में देखने से केवल आँख ही दिखता है। ये भूल भुलैया है छोटा सा, ये अनंत ट्रेन है, रेलगाड़ी है, जो कि अंदर देखने से जहाँ तक नज़र जाएगा वहाँ तक रेल दिख रहा है, जैसे कि देख ही सकते हैं, काफ़ी मज़ेदार है। तो इसमें इतना ही, और इसके आगे वाले में हम भूल भुलैया से होते हुए निकलेंगे, तो वो इसके आगे वाले वीडियो में दिखाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो।